So, once again, good morning 12th class students. In the last class, we are on the topic integrated rate equation, that is of chapter number 4, chemical kinetics. So, I told you about the integrated rate equation for zero and first order reaction. And we see the relation between the rate constant, initial and final concentration. And also we have seen the graphical representation for zero and first order reaction. Okay, so now the next thing is integrated rate equation for the first order. Again, we are going to discuss about first order reaction. Hum kya discuss karenge? First order reaction ke liye, reacting species are in gaseous phase. If your reacting species are in gaseous phase, matlab pura gaseous phase mein ho, हमें जब वो नहीं पढ़ना है एक लिक्विड फेज में है गैसियस फेज में है आइदर ऑल द रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर इन द लिक्विड स्टेट और आइदर ऑल द रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर इन द गैसियस स्टेट तो जो लिक्विड स्टेट के लिए था वेयर वी आर देयर वी आर गोइंग टू यूज द कंसंट्रेशन बट अगर आपका जो रिएक्टेंट है वो गैसियस फेज में होते हैं तो वहां पर हम कंसंट्रेशन की जगह क्या यूज करते हैं प्रेशर यूज करते हैं सो नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन to the integrated rate equation for zero or first order reaction if the reacting species are present in the gaseous state. तो चलिए हम देखते हैं gaseous state के लिए उसके पहले हम simply एक formula लिखते हैं जो अभी हमने पढ़ा था that how you are going to find out the K rate constant की जो equation होती है first order के लिए 2.303 upon T log अच्छा इसे मैं बाद में लिखती हूँ पहले हम ऐसे लिखते हैं suppose करो A gas है वो डिकम्पोज होके बी गैस प्लस सी गैस में कन्वर्ट हुई है ठीक है वी आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ एग्जांपल ओनली बिकॉज इसी टाइप के क्वेश्चन हमें मिलेंगे और यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हमने इक्विलिब्रियम पे पढ़ा था वहां ये वाला आएगा वहां पर थोड़ा सा तो उस चीज को ध्यान से सुनिएगा ठीक है एंड दिस विल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मुझे पता है ये कौन सा फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑल द थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चंस ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है ठीक है अब सपोज करिए गैसियस स्टेट में है तो कंसेंट्रेशन को रिप्लेस करेंगे कंसेंट्रेशन रिप्लेस बाय प्रेशर किससे रिप्लेस हो जाएगी प्रेशर से यानी आपका यहां पर पी आई दैट इज इनिशियल प्रेशर पी आई यहां पर क्या हो जाएगा इनिशियल प्रेशर उसके अलावा पी ए प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी उसके अलावा एक चीज और है PT, total pressure at time T. Total pressure at time T. I have written three symbols here, PI, PA. इतना क्लियर है जैसे हम R नॉट लेते थे इनिशियल कंसेंट्रेशन तो यहां पर R नॉट की जगह क्या है PI. फिर हम R कंसिडर करते थे दैट इज द फाइनल कंसेंट्रेशन हियर PA. PA कंसिडर किया प्रेशर ऑफ A एट टाइम T. A इसलिए कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज ओनली रिएक्टेंट वी आर यूजिंग ठीक है ए का प्रेशर है प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी मतलब जब रिएक्शन हो गई है तो उसके बाद ए का प्रेशर है उसके अलावा एक पी टोटल भी आपको दिया हुआ था है टोटल प्रेशर एट टाइम टी बिकॉज व्हाट हैपेंस बेटा इन केस ऑफ द गैसियस स्पीशीज हमने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी पढ़ा है कि इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है ठीक है वो अगर आप नॉर्मली कोशिश करो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर निकालने का तो वो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर नहीं होता मिक्सचर्स के केसेस में मिक्सचर के केसेस में एक दूसरे मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट का प्रेशर अब एक दूसरे की वजह से क्या होगा इफेक्ट करेगा ठीक है तो अब हमें ये हमें पी टोटल लेने की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि कई बार क्या हमें क्या दिया होता है क्वेश्चन में किस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया होता है भाई अगर ये दिया हो दैट इनिशियल प्रेशर ए का ये था जब पूरी रिएक्शन हो गई तो पीए इतना हो गया तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है हम इक्वेशन लिख के अपना सॉल्व इजिली कर सकते हैं बट व्हाट हैपेंस जनरली इन द क्वेश्चन इज गिवन इन दैट फॉर्म दैट इनिशियल सपोज करो इनिशियल प्रेशर इज 2 बार ऑफ ए एंड आफ्टर 50 मिनट्स द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम विल ऑब्जर्व दिस टोटल प्रेशर सिस्टम का इतना ऑब्जर्व हुआ है आफ्टर सम टाइम तो वहां पर जो टोटल प्रेशर टर्म आ जाता है दैट मींस इट इज नॉट ओनली द बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ ए इट इज बिकॉज द प्रेशर ऑफ ए बी एंड सी तीनों का प्रेशर दिया हुआ है आपको रिएक्शन के बाद तो वहां हमें प्रॉब्लम आती है तो चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को क्या कैसे करेंगे सबके पहले आपके लिए एक एक्सप्रेशन लिख देती हूँ के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग
pi अपॉन pa। आई होप ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये इक्वेशन हमने r नॉट अपॉन r से ली है। जैसे हम r नॉट बाय r कंसिडर करते थे, तो यहाँ पर pi अपॉन pa हमने कंसिडर किया। ये तो चेंज किया, और क्या चेंज है? कुछ भी चेंज नहीं है। तो यहाँ पर p प्रेशर ऑफ इनिशियल प्रेशर और a का प्रेशर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ p टोटल, अगर ये दोनों गिवन है कि इनिशियल प्रेशर 2 बार था और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ए का जो प्रेशर रहा वो 1 बार रह गया, ठीक है, तो आप निकालो, तो आप इजीली निकालोगे, प्रॉब्लम कम अराइज होगी। देन यू आर प्रोवाइडेड विद द टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्टिंग मिक्सचर आफ्टर अ सर्टेन टाइम। तो वहां पर हमारी प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को हम क्या कैसे करते हैं। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो नोट्स है आप लोग यहीं से प्रिपेयर करोगे खुद से, ठीक है। तो ये चीज आई होप कि आपको प्रॉपर तरीके से दिख गई होगी कि किस तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसमें आगे। तो दोबारा से लिखूंगी इस इक्वेशन को, इस सारा रेस कर रही क्योंकि बोर्ड पे इतना जगह नहीं है। इक्वेशन हमने लिखा, ए गैस इट गिव्स बी गैस प्लस सी गैस, ठीक है, एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स रिएक्शन इज नॉट स्टार्टेड। तो इसी का प्रेशर होगा, ये दोनों तो जीरो होंगे बिकॉज रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, ठीक है। लेट प्रेशर इज डिक्रीज बाय प्रेशर ऑफ ए इज डिक्रीज बाय एक्स यूनिट। कितने से डिक्रीज हुआ है? एक्स यूनिट से ए का प्रेशर डिक्रीज हो गया। इट मीन्स एट टाइम इज इक्वल्स टू टी, जब आपका टाइम क्या है? टी है, ठीक है, मतलब कुछ टाइम के बाद। अगर ए में से डिक्रीज हुआ है तो ये कितना होगा? पी आई माइनस एक्स। जित आप देखो, इसका वन मोल, इसका वन मोल डिकम्पोज होके वन मोल ऑफ ई एंड वन मोल ऑफ सी बना रहा है। एंड यू हैव लर्न अबाउट द लॉज ऑफ गैसेस के हमने लॉ पढ़े, तो आपने देखा था कि मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो भी आपके मोल्स होते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। पी फिजिकल्स टू एनआरटी वाली इक्वेशन में भी देखा, प्रेशर जो भी आपका मोल्स होते हैं गैसेस के जो मोल्स आते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इट मीन्स अगर वन मोल वन बी बना रहा है, अगर एक्स इसमें से प्रेशर इसका डिक्रीज हुआ है तो इनका कितना कितना इंक्रीज हुआ है? एक्स और एक्स, यानी इस केस में पी टोटल क्या हो जाएगा? पी टोटल इज इक्वल्स टू टोटल, ये वाला सम इनका भाई, इस कंडीशन पे टोटल प्रेशर क्या है? पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये कट गया, इम्प्लाइज दैट पी टोटल किसके इक्वल आ गया? पी टोटल इज इक्वल टू पी आई प्लस एक्स। अगर मैं यहां से एक्स की वैल्यू निकालू, क्योंकि मुझे कहीं एक्स की वैल्यू नजर नहीं आएगी, तो मेरा एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? पी टी माइनस पी आई। अब आपको याद देख रहा होगा मैं ये क्यों निकाला है, ठीक है, मैंने ये इसे निकाला है बिकॉज आई नीड टू फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी। तो एट टाइम टी प्रेशर ऑफ ए कितना है? पी आई माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू कभी गिवन नहीं होगी, टोटल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर गिवन होगा, तो इसी एक्स को मैंने सिंपली फाइंड आउट कर लिया, एक्स की वैल्यू आ गई। नाउ पी ए, ये पी ए ही तो है, इज इक्वल टू पी ए लिख दू मैं इसको, ये पी ए के इक्वल है, पी ए इज इक्वल टू पी आई माइनस पी टोटल माइनस पी आई। तो यहां से पी इसकी वैल्यू क्या है? टू पी आई माइनस पी टोटल, ठीक है, ये आ गई आपकी वैल्यू। अच्छा बेटा, मोल्स के अकॉर्डिंग एक्स चेंज हो सकता है, अगर यहाँ पर टू मोल होते तो ये टू एक्स होता, ठीक है। अगर यहाँ पर आप टू मोल, ये मोल कॉन्सेप्ट आपको लगाना है भाई, अगर इसका टू मोल वन मोल बना रहा है तो अगर इसका टू एक्स गया तो ये कितना बनेगा? एक्स ही बनेगा। अगर इसका टू मोल बना रहा है तो यहाँ से एक्स की जगह कितना जाएगा? टू एक्स जाएगा। अगर थ्री मोल है तो एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह क्या लिखेंगे? थ्री एक्स लिखेंगे। तो वो आपको इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखना है। आई विल सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑल्सो। तो आप देखिए यहाँ पर प्रेशर ऑफ ए आ गया, ठीक है, ये वैल्यू होगी। तो अब आ जाइए k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log pi अपॉन pa। तो बेसिकली इन क्वेश्चन में आपको क्या निकालना होता है? रिएक्टेंट का प्रेशर एट टाइम t। आपको ऐसे क्वेश्चंस में, गैसेस के क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ a एट टाइम t। तो वो आप इस फॉर्मूले से, यहां से फाइंड आउट करोगे, x मारोगे, जितने भी मोल है उतने ही x ले लो, ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग करके एक्स की वैल्यू निकाल के इस प्रेशर में पुट कर दो। यहाँ इनको लाइन को लिखने के बाद यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आई होप क्लियर हो गया था। पीए की वैल्यू वहां रखो,
आपका पी आई आपको दिया हुआ है, पी टोटल दिया होगा, आपका क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, न्यूमेरिकल्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास अभी हम थ्योरी पोर्शन अपना कंप्लीट कर देते हैं. तो आई होप दैट प्रेशर की इक्वेशन आपको क्लियर हो गई होगी. अभी हम देखेगा, अभी हम कंसेंट्रेशन वाला पार्ट ही पढ़ रहे हैं, जो हमें कंसेंट्रेशन वाला पार्ट कर रहे हैं. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द ओनली बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि अब इस चैप्टर में ज्यादा कुछ बचा नहीं है हमारे पढ़ने के लिए, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक लास्ट से कट कर दिए, तो हमें नहीं पढ़ना आगे. न्यूमेरिकल पोर्शन, ये लास्ट न्यूमेरिकल पोर्शन ही चल रहा है. अदरवाइज इसके बाद एक अरिनियस इक्वेशन का और न्यूमेरिकल, अरिनियस इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी का और आपका कॉन्सेप्ट आता था, वो डिलीट कर दिया आपका अरिनियस इक्वेशन, तो हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ वहीं पर देखते हैं. अब आप आ जाइए, सॉरी, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन. हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन का मतलब क्या है? व्हेन आर इज इक्वल्स टू आर नॉट बाय टू, इसे हम बोलते हैं टी हाफ. क्या बोलते हैं? टी हाफ. व्हेन द फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज रिमेन्स हाफ ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन, दैट इज नोन एज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन. मीन्स टाइम, द टाइम एट विच हाफ, एट विच द फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन. वो टाइम जब आपकी फाइनल कंसेंट्रेशन इनिशियल कंसेंट्रेशन के हाफ होती है, दैट इज नोन एज द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन. तो यहां पर हमें जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आपको एक्सप्रेशन याद होना चाहिए. मैं पहले फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिख रही हूं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आपको रेट एक्सप्रेशन याद हो, तो रेट एक्सप्रेशन होता था टी इज इक्वल्स टू, मैं टी इधर ही लिख रही हूं, आर नॉट माइनस आर अपॉन के, और आप ऐसे भी लिख सकते हो k इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, कोई भी इक्वेशन हो सकती है. ठीक है, तो अब आप यहां पर देखिए, व्हेन r इज इक्वल्स टू आर नॉट अपॉन टू, तो आपका t किस में कन्वर्ट हो जाएगा? t हाफ में. तो अब यहां पर t हाफ निकालिए, t हाफ इज इक्वल्स टू आर नॉट, यहां पर है, इसकी जगह आप क्या लिखोगे? आर नॉट डिवाइडेड बाय टू, और ये किससे डिवाइड हो गया? k से. इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो यहाँ पर टू, यहाँ पर आइए, एलसीएम लीजिए, टू के नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या बचेगा आपका? सिर्फ आर नॉट. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो t हाफ इक्वल्स टू आएगा आर नॉट अपॉन टू के. ये एक्सप्रेशन याद रखना है आपको, फॉर द ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, ये दोनों आप लोग क्वेश्चन में यूज होंगे. बेसिकली इन हाफ लाइफ को ना बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन में रेट कॉन्स्टेंट नहीं दिया होता, तो ये हाफ लाइफ कुछ ना कुछ ऐसा दिया होता है जिससे हम रेट कॉन्स्टेंट निकाल सके, तो ये रेट कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करने के लिए भी यूज होता है. तो आप यहाँ से टी हाफ देखिए, टी हाफ किसके इक्वल आ गया? आर नॉट अपॉन टू के. इट इज फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एंड इट इम्प्लाइज दैट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर आप के को यहाँ लाते हैं तो रेट कॉन्स्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. भाई के को मैं यहाँ भी तो ला सकती हूँ, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. तो ये आपको एक्सप्रेशन को इंटरप्रेट करने आना चाहिए, दैट अकॉर्डिंग टू द जीरो ऑर्डर एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द रेट कॉन्स्टेंट, अगर मैं इस के को यहाँ ले जाती हूँ भाई, तो रेट कॉन्स्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, किसके लिए? वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट फॉर फर्स्ट ऑर्डर. इसे मैं के की टर्म में कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. एक्सप्रेशन आपको याद होगा, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log r नॉट अपॉन r. ठीक है, व्हेन r इज इक्वल्स टू r नॉट बाय टू, तो t किसके इक्वल हो जाएगा? t हाफ के. नाउ k किसके इक्वल आ गया? k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग आर नॉट, और आर की वैल्यू कितनी है? आर नॉट डिवाइडेड बाय टू, ये टू ऊपर जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस एक्सप्रेशन को आप देख सकते हो क्या बचेगा? के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग टू, जो लॉग टू की वैल्यू होती है दैट इज इंटू 0.301 अपॉन टी हाफ.
सिंपल वैल्यू आ जाती है 0.693 अपॉन टी हाफ. लॉग टू की वैल्यू होती है ये, ठीक है. क्या होती है ये? लॉग टू की वैल्यू होती है 0.301. तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी रेट कांस्टेंट का सिंपल फॉर्मूला आया कि इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ. यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ हो दैट फॉर अ रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो सुनते ही पढ़ते ही समझ जाओ दैट रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. क्योंकि हमने हाफ लाइफ से भी देख लिया कि आपका जो रिएक्शन रेट होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. आप खुद देखिए यहाँ पर कहीं आ रही है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कहीं नहीं आ रही. ना ये वैल्यू चेंज होगी, चेंज किया वो टी हाफ और के, ठीक है. तो के इज इंडिपेंडेंट, मतलब के डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. जीरो में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है. तो ये हाफ लाइफ है, ये हमें जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ना है सिर्फ एक्सप्रेशन. तो आई होप आपको हाफ लाइफ भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है. और अब आप सारे एक्सप्रेशन एक जगह लिख लीजिएगा. व्हाट आर द डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर, व्हाट आर द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन विच पैरामीटर्स द ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड व्हाट विल द एक्सप्रेशन ऑब्टेन फ्रॉम हाफ लाइफ फॉर हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर. तो इन सबको एक जगह लिख लीजिएगा जो आपको ये बार बार कंफ्यूज ना करे और आपको बार बार ये देखना ना पड़े याद करने के लिए, ठीक है. तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है. तो आई होप कंसेंट्रेशन का इफेक्ट मैं अभी न्यूमेरिकल्स नहीं करा रही, ठीक है. न्यूमेरिकल्स मतलब मैं एक साथ नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी. आई जस्ट थॉट टू कंप्लीट प्रॉपर विद द थ्योरेटिकल पोर्शन, ताकि मेरा ये प्रॉपर सारा थ्योरेटिकल पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए. तो मैं बस यही ट्राई कर रही हूँ पहले, ठीक है. अब हमने याद होगा इन द स्टार्टिंग आई टोल्ड यू देयर आर थ्री फैक्टर्स दैट विल इफेक्ट द रेट ऑफ अ रिएक्शन. फर्स्ट इज कंसेंट्रेशन, जो हमने देख लिया. अब सेकेंड हम आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. अब आपको किसका इफेक्ट देखना है? टेम्परेचर का ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे. तो बेसिकली अब जब आप क्या किस तरीके से करते हैं, ठीक है. अब एक सिंपल सा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रही हूं मैं, ठीक है. इफ एट टी, ठीक है, एट टी टाइम टी पर, बेसिकली हम यहां पर बात करेंगे रेट कांस्टेंट की, ठीक है. अगर के की वैल्यू के डैश है, ठीक है. सो एट टी प्लस 10, मैं डिग्री सेल्सियस में ही ले रही हूं, ठीक है. के की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ के डैश. अच्छा, इसके पहले एक टॉपिक और है यार, छोटा सा, मैं बाद में बता दूंगी, याद रहेगा मुझे, ठीक है. सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो मैं बता दूंगी, मैं भूल गई, स्किप करके चले. पर इससे पहले यहां देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. मैंने सिंपल लिखा एट टी डिग्री सेल्सियस अगर रेट कॉन्स्टेंट के डैश है, तो अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर देती हूँ तो आपकी K की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी? ट्वाइस हो जाएगी. एंड दैट इज द प्रूफ और इट इज द मैथमेटिकल प्रूफ फॉर दिस. ये हमने रिएक्शंस को एक्सपेरिमेंट करके देखा है दैट फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर फॉर एनी रिएक्शन द रेट कॉन्स्टेंट नियरली बिकम्स डबल. मतलब ऑलमोस्ट ये नहीं कह सकते हम कि हमेशा बिल्कुल डबल होता है या हमेशा डबल होता है, ऑलमोस्ट डबल. तो एक दो पॉइंट ज्यादा भी हो सकता है, एक दो पॉइंट कम भी हो सकता है, बट ऑलमोस्ट हम इसलिए कहते हैं इट इज नियरली डबल. आप अगर 10 डिग्री सेल्सियस आप किसी भी रिएक्शन के में इंक्रीज करते हो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज जनरली इंक्रीज बाय रेट कॉन्स्टेंट बिकम्स ट्वाइस. और आपने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कॉन्स्टेंट, भाई जितना ज्यादा रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, ठीक है. अब हम इसे जो एक्सप्लेन किया था बेसिकली वो अरेनियस ने किया था. ऑल ऑफ दिस इक्वेशन इज कटेड डाउन फ्रॉम अवर सिलेबस, बट फिर भी मैं आपको एक एक्सप्रेशन बता दे रही हूँ. दिस इज द अरेनियस इक्वेशन. के इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू ए, इज एन आपका कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है. ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होता है, आर आपका कॉन्स्टेंट होता है, टी आपका क्या होता है? टेम्परेचर, ठीक है. अब ये जो टर्म है ना ई ए अपॉन आर टी,
यही आपका बताता है बेसिकली रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ये वाली क्वांटिटी कम होगी भाई, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ये वाली क्वांटिटी कम होगी, ये वाली क्वांटिटी लेकिन है किसमें, नेगेटिव में। मतलब अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव में बढ़ रही है, ये क्वांटिटी मैं यहां से कह रही हूँ कम हो रही है, नेगेटिव में कम होने का मतलब है इंक्रीज होना ही तो होता है। एक बार ये टर्म थी नेगेटिव में आपकी, ये डिग्री नेगेटिव में 10 है, और एक बार दूसरी बार ये टर्म नेगेटिव में 5 आई है, तो नेगेटिव 5 वाली ज्यादा होगी ना। तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन से हम निकालते हैं, इस एक्सप्रेशन से एरेनियस ने ये फॉर्मूला दिया था टू कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी रेट कॉन्स्टेंट वैल्यू विद टेम्परेचर। ये इक्वेशन अब कट डाउन हो गया, आपका एक्टिवेशन एनर्जी अरेनियस वो वाला कॉन्सेप्ट कट डाउन हो गया है, पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट आता कैसे है, ठीक है। आपको याद हो तो हमने 11th क्लास में भी कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या आपने पढ़ा हुआ है, मैं ग्राफ ड्रॉ करके आपको बताती हूँ, ठीक है। वहां पर देखिएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यहां पर आता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो, एनई अपॉन एन टी, दीज आर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। एनई इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ई, एन ई क्या है, वो मॉलिक्यूल्स जिनकी कुछ जिनकी काइनेटिक, हर किसी की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती मॉलिक्यूल्स में, तो एन ई आपके रिएक्शन में वो मॉलिक्यूल है जिनके पास इतनी सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी है वो रिएक्ट कर सके। जितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आपका रिएक्ट कर रहा है, जितने मॉलिक्यूल्स उनकी जो एनर्जी है दैट इज एन ई। एन टी क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये ध्यान रखिएगा आपका यहाँ पर जो एन ई दिया हुआ है दैट एन ई इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ई, एंड एन टी इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जब हम इस ग्राफ को करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये ग्राफ हमें इस तरीके से मिलता है, ठीक है। ये ग्राफ जो आता है ये हमारा थोड़ा सा इस तरीके से आता है, मैं इसे थोड़ा सा और बनाती हूँ, थोड़ा सा शार्प बनाती हूँ, ठीक है। और ये जो शार्प पीक आती है इसे हम बोलते हैं, इस पर जो स्पीड होगी मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये हमें मिलती है, ठीक है। मीन्स या एवरेज एनर्जी हम बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो पीक आपका आया है इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक एवरेज आ रही है, ठीक है। आई होप आप यू आर गेटिंग मी। दिस पीक सिंपली रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी वो पॉइंट, वो एनर्जी जो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की होती है। मींस आप यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहा है, तो इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और यही आपकी क्या आ रही है, ये पीक है। तो ये पीक वो रिप्रेजेंट करती है द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी, वो पॉइंट जिस पे ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी हो रिएक्ट करने के लिए। ये चीज, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं है, वो पॉइंट जिस पर ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी हो फॉर द रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, द एनर्जी एट विच पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और जितने ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब जितने ज्यादा हमारा एरिया वाइड होता चला जाएगा उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स आपके रिएक्ट करेंगे, जितने पार्टिकल्स रिएक्ट करेंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस टेम्परेचर को, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। सपोज करो ये मुझे मिला टी पे, ठीक है। अब मैंने इसको देखा एट टाइम टी प्लस टेन, टी प्लस टेन पे मुझे जो ग्राफ मिला, ये ग्राफ मुझे मिला टी प्लस टेन पे, ठीक है। अब आप यहां देखिएगा, आप एनर्जी मत देखिए, हम कहते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होती है, इस वजह से उनके रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, नहीं। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है पीछे पे, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस केस में ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी
इंक्लूड हो जाती है। पहले देखो, पहले ये पोर्शन आप देखो कितना वाइड हो गया, पहले इतना नीचे आ रहा था, अब देखो ये एक्स्ट्रा पोर्शन ही तो है, ये एक्स्ट्रा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो है। ये मत देखो अब तो पीक छोटी हो गई, पीक छोटी हो गई वो नहीं देखना हमें, हमें देखना कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गए। तो अब आप देखिए ये कर्व जो है ये वाइड होता चला गया है, मतलब अब इस कर्व के अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, इतना इंक्रीज हो गया, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए। और रिएक्ट करने के लिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे डिपेंड है, मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ई एंड विद एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी एन ई बड़े होंगे तभी तो ये वैल्यू बड़ी होगी। जब एन ई बढ़ गए तो इट मीन्स पार्टिकल, जो पार्टिकल रिएक्ट कर रहे थे उनकी बहुत सारा, पहले सपोज करो चार पार्टिकल रिएक्ट कर रहे थे तो आप 10 में से 4 रिएक्ट कर रहे थे तो आप 10 में से 6 रिएक्ट कर रहे होंगे, यानी कि अब आपका रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बिहाइंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दैट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन या विच अंडरगो रिएक्शन विल इंक्रीज, जो जिनके पार्टिकल्स की ज्यादा से ज्यादा एनर्जी है, इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग हाई एनर्जी है ना, वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इक्वेशन क्या हो गया, इंक्रीज। एंड बेसिकली अभी अरेनियस इक्वेशन में जो ये क्वांटिटी थी ना माइनस ए अपॉन आर टी, दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग रिएक्शन, जितना ज्यादा ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा आपका रिएक्शन रेट होगा। खैर अरेनियस इक्वेशन को इतना मत आप ध्यान दीजिए, हम मैंने आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन बता दिया है, हमेशा ये ध्यान रखना है, स्पीड नहीं देखनी कि स्पीड डिक्रीज हो गई, नहीं, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने से मतलब नहीं है, हमें मतलब है ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स को रिएक्ट कराने से। एज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच विल पोजेस अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, मॉलिक्यूल्स ही इंक्रीज हो गए रिएक्ट करने के लिए तो रिएक्शन रेट इंक्रीज हो गया। तो ये आपका होता है, सिंपली आपसे कोई पूछे कि क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का रेट कॉन्स्टेंट पे, तो सिंपली एज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट कॉन्स्टेंट नियरली बिकम्स डबल, बिकॉज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच विल अंडरगो रिएक्शन या विच विल पोजेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर रिएक्टिंग विल इंक्रीज, तो आपका रेट 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने पर रेट आपका नियरली रेट कॉन्स्टेंट नियरली डबल हो जाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब ठीक है, अब हम एक और चीज की तरफ चलते हैं, लास्ट हमारा बचा है, दैट इज द कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, उसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा एक ना चाहते हुए भी एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताना ही पड़ेगा, दैट इज अवर थर्ड टॉपिक, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। पढ़ा आपने हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, पर फिर भी मुझे तो आना पढ़ाना पड़ेगा। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो होते हैं, पहले अगर ए से बी जाने में मुझे अगर 10 आवर्स लग रहे हैं तो ए से बी में अगर मैं कोई कैटलिस्ट ऐड कर दूं और मुझे 5 आवर्स लगे, ठीक है, तो ये है कैटलिस्ट का काम। क्या किया कैटलिस्ट ने, रिएक्शन टाइम डिक्रीज कर दिया, रिएक्शन टाइम डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन रेट इंक्रीज कर दिया। तो बेसिकली मतलब कुछ भी फैक्टर हो सकता है, यहां मैंने टाइम का बताया है, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस विच विल इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, डिफाइन ऐसे किया गया था, द सब्सटेंस विच विल ऑल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन, एंड दोज हु आर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन दे आर रेफर्ड टू बी कैटलिस्ट। बट कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो डिक्रीज करते हैं तो उन्हें अलग रख दिया, दीज आर नॉट नोन एज कैटलिस्ट, दे आर नोन एज इनहिबिटर। कैटलिस्ट आर ओनली द सब्सटेंस विच विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, और इनहिबिटर क्या होते हैं, जो रिएक्शन रेट को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कोई भी रिएक्शन लिखो, मैं यहां पर लिख रही हूं पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन, ठीक है, KClO3 इट गिव्स KCl प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन है। ठीक है, अब जब हम इस इक्वेशन को करते हैं तो ये इक्वेशन स्टार्टिंग में बहुत धीरे होती है, ठीक है, इसका रेट बहुत कम होता है, बहुत स्लो डिकम्पोजिशन होता है पोटेशियम क्लोरेट का, लेकिन जब आप इसमें मैग्नीज ऑक्साइड ऐड कर दो MnO2 विच विल वर्क एज अ कैटलिस्ट हियर, द स्पीड ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज। अब ये स्पीड ऑफ द रिएक्शन कैसे इंक्रीज होती है, स्पीड ऑफ रिएक्शन इसलिए इंक्रीज होती है बिकॉज कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्टिंग स्पीशीज के साथ बाउंड हो जाते हैं, दे विल बाउंड विद द रिएक्टेंट स्पीशीज,
और एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन होने के लिए. मींस ये क्या करेंगे, सबसे पहले जाके रिएक्टेंट स्पीशीज से बाउंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ब्रेक भी नहीं हो रहे होंगे तो भी उन्हें ब्रेक होना पड़ेगा इनके इफेक्ट की वजह से. मतलब ये उनसे जाके बाउंड होके उनके बॉन्ड को जल्दी ब्रेक करते हैं, या आप ये कहो रिएक्शन को एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करते हैं. दे विल प्रोवाइड एन अल्टरनेट path for the reaction by which the speed of the reaction will occur and basically they will decrease the activation energy. अब ये activation energy की study का नाम है, याद है आपको? होगा ही नहीं, 11th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, थोड़ा सा मैंने पढ़ाया था आपको activation energy के बारे में. तो activation energy की अगर आप बात करें तो मैं graph बनाती हूँ. यहाँ पर हम लिखते हैं reaction coordinate. Reaction coordinate का मतलब है concentration हो, कुछ भी लो. Reactant coordinate basically. Here we are going to take reactant coordinate. और यहाँ पर हम potential energy लेते हैं, energy of the molecules. ठीक है? Suppose करो मेरा reactant यहाँ पर था, मतलब इतनी energy possess कर रहा है मेरा reactant. हमेशा आप देखोगे reactant generally जो हम consider करते हैं, जो हम graph बनाते हैं, हम product को थोड़ा नीचे दिखाते हैं. Means कि product की energy थोड़ी सी कम होगी. बेसिकली फेवरेबल प्रोसेस यही होता है कि कोई भी रिएक्शन तभी फेवर करती है जब वो लेस एनर्जेटिक की तरफ से जा रही हो. अगर हाई एनर्जी की तरफ जा रही है तो वो ज्यादा फेवरेबल नहीं होती. तो ये जनरल लिया है हमने दैट रिएक्टेंट की एनर्जी तो यहाँ पर है, प्रोडक्ट की और थोड़ा कम है. अब हमें क्या करना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाना है. तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाएंगे. मैंने चलती गई रिएक्टेंट को एनर्जी वगैरह कुछ प्रोवाइड की, तो मैं उसकी एनर्जी मेजर करती गई. मैंने देखा कि पहले रिएक्टेंट की एनर्जी इंक्रीज होती है और एक टाइम के बाद मैक्सिमम होके यहाँ डिक्रीज हो जाती है. इस मैक्सिमम जो यहाँ पर होती है, जो मैक्सिमम एनर्जी होती है, ये हम यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर बनता है इंटरमीडिएट. क्या बनता है यहाँ पर? इंटरमीडिएट बनता है. ठीक है, इंटरमीडिएट कैसे बनेगा? सपोज करो मेरा प्रोडक्ट, मैंने ए ठीक है ए प्लस बी को रिएक्ट कराया, तो इंटरमीडिएट का क्या मतलब है, ए और बी के बीच में प्रोडक्ट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है. और फिर जब प्रोडक्ट की तरफ जाएगा तो फिर से एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी और आपका बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज योर प्रोडक्ट. तो इस इंटरमीडिएट द एनर्जी, तो ये जो इंटरमीडिएट हम बोलते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. क्या बोलते हैं हम इसको? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आवर रिएक्शन विल बी एक्टिवेटेड. अगर ये फॉर्म नहीं होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी. अगर इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बहुत डिफिकल्ट होगी. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. और आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है ये, यहां से यहां तक की जो एनर्जी होती है ये आपकी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी. तो बेसिकली क्या होता है बेटा, जब आप कैटलिस्ट ऐड करते हो, तो मैं इसे डैश डैश से बनाऊंगी और आई हैव एनी ब्लू मार्कर, हाँ है मेरे पास. अब मैं क्या करूंगी, मैं कैटलिस्ट डालूंगी. कैटलिस्ट डालने से देख रहे हो आप क्या हो रहा है, कैटलिस्ट ये क्या है, विद कैटलिस्ट. ये क्या हो गया, विद कैटलिस्ट. और ऊपर वाली लाइन किसका था, सॉरी विदाउट कैटलिस्ट. अब आप देख रहे हो जब आपने कैटलिस्ट डाला तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई. इट मींस आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कम एनर्जी पर ही बन गया है. इसलिए जहां एनर्जी कम लग रही है वहां पर रिएक्शन मतलब जल्दी हो रही है. पहले आप सपोज करो आपको हीट देनी, मैं एनर्जी को कह रही हूँ मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ. पहले मुझे देना पड़ा 20 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा टेम्परेचर. अब मुझे 10 में ही मेरा 15 में ही काम चल गया, तो मतलब मैंने कम टेम्परेचर प्रोवाइड किया ना, तो मेरा रिएक्शन का रिएक्शन स्पीड अप हो गई. मेरी रिएक्शन स्पीड अप होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इंक्रीज. तो आई होप दैट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इज क्लियर टू यू. ठीक है, लास्ट में अब हमारा बचा है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी दैट व्हाट आर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर. न्यूमेरिकल्स एंड सम ऑफ द एक्स्ट्रा क्वेश्चन एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. ओनली दीज थिंग्स वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, नथिंग एल्स. सूडो ऑर्डर रिएक्शन रह गया है, उसके अलावा हमारा जितना भी आगे का टॉपिक था वो सब कट डाउन हो गया है. बट आप ग्राफ और एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा. ओके, थैंक यू सो मच.